नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज की ओपीडी। जी हां, आपकी अपनी ओपीडी जहां पर आप घर बैठे बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर आपको इसको लेकर कोई लक्षण है तो क्या सावधानी बरती जाए, परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे इसका ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले एक घंटे डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा और आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। अगले एक घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। फोन नंबर्स हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करेंगे जिनको डायल कर आप सीधा जुड़ सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस और लेखों पर जरा भी भरोसा न करें, ये आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग होती है और कुछ लोग आपके मन में डर भी पैदा करना चाहते हैं और इसीलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवाई लें। ओपीडी की शुरुआत करें उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल आपको बताते हैं कि प्रदेश का कोरोना अपडेट क्या कुछ कहता है। बुधवार को कोरोना के 1171 केसेस सामने आए, 2705 लोग ठीक हुए। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार स्थिति बेहतर होती जा रही है, जहां पर हरियाणा में रिकवरी रेट अब 97% तक पहुंच गया है और ये राहत की बात है। लगातार ठीक होने वालों की तादाद संक्रमितों से ज्यादा यहां पर हो रही है। स्वास्थ्य महकमा दिन रात उसको लेकर लगा हुआ है। प्रदेश में अब करीब एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो 14,000 के पार पहुंच गई है। तो लगातार एक्टिव केस जो है वो कम हो रहे हैं और पॉजिटिविटी जो दर है वो भी कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। अब तक 58 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, खासतौर पर 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को तवज्जो अब दी जा रही है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 7 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है, साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी गई है। लेकिन लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है कि गाइडलाइंस का पालन करें। अनलॉक की प्रक्रिया में क्या कुछ खास है ये आपको बता देते हैं। दुकानें खोलने का समय सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक के लिए कर दिया गया है, जिससे कि छोटे दुकानदारों को भी नुकसान किसी प्रकार का ना हो। अब तारीख के अनुसार आपको बताते हैं कि कितने केसेस सामने आए। 23 तारीख की बात करें तो 4,400 केसेस सामने आए थे। 24 तारीख को 3,757 केस सामने आए थे। इसके अलावा लगातार जो आंकड़ा है घट रहा है। 28 तारीख की बात करें तो 2,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। तो दिन प्रतिदिन आंकड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में 1,000 के नीचे अब नए केसेस का आंकड़ा पहुंच चुका है, जो कि बहुत अच्छी खबर है, राहत की बात है। दिन रात इसको लेकर फ्रंटलाइन वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। साथ ही गुरुवार की बात करें तो कोरोना के 980 केस सामने आए, 2,889 लोग ठीक हुए। तो ठीक होने वालों की तादाद लगातार यहां पर पॉजिटिव केसेस की तादाद से ज्यादा है। हरियाणा में रिकवरी रेट अब करीब 97% ज्यादा हो गया है। चलिए ओपीडी की शुरुआत करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र ममगाई साहब जुड़ गए हैं, सीएमओ है कैथल के। इसके अलावा डॉक्टर ज्योति कपूर मनोचिकित्सक हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पे। सीएमओ साहब, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है और ये मौजूदा परिस्थितियां बेहतर होती चली जा रही हैं, यहां से आगे की रणनीति क्या कुछ है, खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार? चलिए सीएमओ साहब से दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, किसी खामी की वजह से उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर ज्योति कपूर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार मामले सामने आए, न सिर्फ एक शारीरिक बीमारी बनी रही बल्कि एक बहुत बड़ा असर इसका हमारे मेंटल स्थिति पर भी पड़ता है, उसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या सलाह आप देना चाहेंगी? बाकी से इनफैक्ट लेटली कोरोना के केसेस के साथ साथ एंजाइटी और डिप्रेशन के केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं जी। काफी ऐसे लोग जो ऑलरेडी एंजाइटी डिसऑर्डर्स को सफर करते थे, उनकी तकलीफ जो स्टेबल थी वो बढ़ गई, और दूसरे जिनको ये तकलीफ कभी नहीं हुई थी उनको भी होने लगी है। तो ऑब्वियसली जो तनाव कहा है वो धीरे धीरे बढ़ती बन गया है। तो अपने आप को इस मेंटल पैंडेमिक से भी बचाने की जरूरत है। इसका मतलब है कि जितना भी हम नकारात्मक सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव न्यूज पे फोकस करते हैं, उतना हमारा स्ट्रेस बढ़ता है और उस स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से हमारी एंग्जाइटी बढ़ती है और हम वल्नरेबल हो जाते हैं। अभी जैसे आपने इंफॉर्मेशन दी कि केसेस कम हो रहे हैं, अब ये जानकारी कि केसेस कम हो रहे हैं और इनके कम होने की आशा हम
सब कुछ थी, लेकिन हम उस समय इस चीज पे फोकस नहीं कर पाते। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को याद में रखना है कि जो प्रॉब्लम आती है वो चली भी जाती है, एक पॉजिटिव सोच रखना है, अपना ख्याल रखते हुए अपना काम जैसे हम रूटीन में चलते हैं वो करना है, ताकि हम अपनी मानसिक स्थिति जो है वो स्टेबल रहे। ठीक है मैम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस तरीके से सलाह आप दे रही हैं कि जो मेंटल पीस है वो आपका बना रहे, और ये शारीरिक बीमारी आपके दिमाग में ना चढ़े उसके लिए आपको बहुत सी सावधानियां बरतनी होंगी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सीएमओ साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूँगी, हालांकि परिस्थितियों में सुधार ज़रूर हुआ है, लेकिन अब यहाँ से आने वाले समय के लिए, क्योंकि सुखबुगाहट लगातार थर्ड वेव को लेकर भी है और वो किसी से अछूता नहीं है, ऐसे में उसको लेकर तैयारियाँ क्या कुछ है, कितना तैयार है स्वास्थ्य महकमा? देखिए, जहाँ तक कैथल जिले का सवाल है, हमने यहाँ तीन कोविड वार्ड के अंदर ही तीन अलग से कमरे हमने बच्चों के आइसोलेशन के लिए और बच्चों के इलाज के लिए, कोविड के प्रति निपटने के लिए हमने ईयर मार्क कर दिए हैं, और उनमें तीनों कमरों में अलग अलग, एक में आठ बेड और तीसरे में 6 बेड कर दिए हैं। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि हमारे पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसके बारे में हमने जिला स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों को और उपायुक्त महोदय को लिख के दिया है। इसके अलावा जो हमारे पास उपलब्ध हैं और जो हमें चाहिए वो दोनों हमने माननीय स्वास्थ्य और अपने उपायुक्त महोदय को लिख के दे दिया है, और वो हम उसके लिए वैसे पूरे तैयार हैं। और मैंने खुद उस वार्ड का दौरा किया है जो कि कोविड वार्ड में हमने बच्चों के लिए विशेष रूप से बनाया है। इस बीच हमारे दर्शक प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, अपना सवाल पूछिए। आवाज मिल रही प्रभात आपको? चलिए दोबारा से संपर्क साध सकते हैं आप हमसे, लगातार नंबर्स हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। सीएमओ साहब आप कह रहे थे, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, हमारे यहाँ हमारा जिला स्वास्थ्य विभाग इस काले के लिए पूरा तैयार है, पूरा मुस्तैद है, और हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की या कुछ मैन पावर की दिक्कत है वो हमने स्वास्थ्य विभाग को लिखी है, उच्चाधिकारियों को लिखी है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे हमें मिलेगा हम इसके लिए पूरे तैयार होंगे। और जहाँ तक वेंटिलेटर का सवाल है, जो हमारे पास बड़े लोगों के वेंटिलेटर हैं, अडल्ट्स के, तो जितने वेंटिलेटर हैं वो हम बच्चों पे शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमारा एनेस्थीसिया विभाग के लोगों ने बताया है। उसमें कोई मोड होता है, उस मोड को चेंज करके उन्हीं वेंटिलेटर्स को हम बच्चों में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर बच्चों का ख्याल रखना। और इस तरह जैसे मैंने बताया कि बच्चों के वार्ड में टोटल हमारे जी जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक है, क्योंकि बच्चे थोड़े उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होती है अडल्ट्स के बजाय, बच्चों की और बूढ़ों की, दोनों की इम्यूनिटी कम होती है, तो जहाँ इसलिए हमें उसके बारे में सावधान होना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, इस बीच हमारे दर्शक सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सतीश जी, अपना सवाल पूछिए। मैम, मैं पूछना चाहता था कि जैसे ना वैक्सीन लगवाने के बाद मेरा बुखार नहीं उतर रहा था, फिर मैंने टेस्ट कराया तो मेरा कोविड पॉजिटिव आया था, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझे अब वैक्सीन कितनी देर बाद लेनी पड़ेगी दोबारा, दूसरी डोज? ठीक है, डॉक्टर ज्योति। देखिए, जो गाइडलाइन आएंगे उसके हिसाब से आपको अगर कोविड हुआ है उसके 3 मंथ तक आपकी एंटीबॉडी सस्टेन रहती है, इसलिए आप 3 मंथ के बाद वैक्सीन। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश जी अपना सवाल पूछने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपके जहन में सवाल होते होंगे और आप नहीं अस्पतालों को विजिट कर पाते होंगे, और यही वजह कि ओपीडी हम लेकर पहुंचे, और आप भी हमारे नंबर्स को डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं, और 2 विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ हैं, आप उनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर ज्योति, इस बीच लगातार जिस तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लोग लापरवाह बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमने देखी थी जहाँ पर कोरोना के आंकड़े जैसे ही कम होते हुए नजर आए लोग लापरवाह हो गए कि कोरोना चला गया, लेकिन जिस तरीके से बैकफायर हुआ, यूटर्न कोरोना ने मारा है, सब कुछ तहस नहस होता हुआ हमने देखा। अब यहां से आने वाले समय के लिए हम एकदम पूरी तरीके से तैयार हों, उसको लेकर क्या एडवाइस आप दर्शकों को देना चाहेंगे? बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने एक्सपीरियंस से सीखें। कोविड अभी गया नहीं है, और बहुत संभावना है बहुत हद तक कि 2 से 4 महीने में ये वापस आएगा। आने का मेन कारण यही होता है कि जब जो कोविड या कोरोना वायरस है, ये एक आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरसेस की एक ये खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, चेंज करते हैं, और जितना जल्दी वो जितना ज़्यादा वो ट्रांसमिट होते हैं, स्प्रेड होते हैं,
उतना ज्यादा उनमें बदलाव आता है, और ये बदलाव आने की वजह से जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो कीप अप नहीं कर पाती है और इंसान दोबारा से भी इन्फेक्ट हो सकता है। तो जो लोगों को ये रहा है कि उनको पहले कोविड नहीं हुआ इसलिए आगे नहीं होगा, या वैक्सीनेट हो चुके हैं इसलिए इन्फेक्ट नहीं होंगे, या फिर क्योंकि कोविड के केसेस कम हो रहे हैं इसलिए कोरोना चला गया है, वो इन सब चीजों से वो अपने आपको इस दम में ना रखें। दर्शक मैम प्रभात हमारे साथ जुड़ गए, सर अपना सवाल पूछिए। संपर्क टूट गया हमारा प्रभात जी से, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप फोन करते हैं तो थोड़ी देर आप फोन पर जरूर बने रहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं अपनी खास राय अपनी विशेष एडवाइस आप सभी लोगों के लिए देते हैं, और अगर वो बोल रहे हैं तो आप उन्हें सुने भी और उतनी देर आप कम से कम फोन लाइन पर बने रहे। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी मैम ये भी है कि लोग यहाँ पर जिस तरीके से दवाइयों को लेकर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि एलोपैथी की दवाइयाँ लोग समझते हैं कि घर में है और कोरोना पॉजिटिव अगर वो नहीं है सिर्फ प्रिकॉशंस के लिए ले रहे हैं तो सिर्फ वो आयुर्वेदिक चीजें या फिर एक्सरसाइज पर ही डिपेंड होना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को क्या आप यहाँ से एडवाइस देना चाहेंगे, क्या जो तमाम विटामिन्स की दवाइयाँ हैं वो अनिवार्य तौर पर वो लें, या फिर घरेलू नुस्खों से कुछ एक्सरसाइजेज से वो खुद के लिए एक सुरक्षा कवच क्रिएट कर सकते हैं? जितना हमें मालूम है वो यही है कि आप अपनी हेल्दी डाइट और कुछ अच्छी चीजों के जरिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, पर वो इम्यूनिटी किस हद तक हमें कोविड से बचा पाएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कोविड नेचुरली एक ह्यूमन इलनेस नहीं है। जो कोरोना वायरस आया है, कोविड SARS-2 कोरोना वायरस आया है, ये वायरस बैट्स में था, ये ह्यूमंस में नहीं था। इसलिए ह्यूमन का जेनेटिक सिस्टम, हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, वो इस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कभी तैयार नहीं था। अब वो सिस्टम सीख रहा है, और वो जो सीख हमारा जेनेटिक सिस्टम लर्न कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी लर्न कर रही है, उसको टाइम लगने वाला है, और वो टाइम साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप कोरोना से बचें, इम्यून रखें अपने आप को, डॉक्टर की सलाह से दवा लें, उसके बिना दवा ना लें, क्योंकि काफी चीजें हैं जो एज डॉक्टर्स हम भी लर्न कर रहे हैं। दर्शक गीता हमारे साथ जुड़ गई है, गीता जी बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, मुझे 15 साल पहले एक इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ था जिसकी वजह से माइल्ड कार्डियक अरेस्ट हुआ था, तो क्या कोविड वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर शैलेंद्र हाँ, देखिए वो इंजेक्शन जो भी आप टीका बता रहे हैं वो कौन सा टीका था ये आपने अभी जानकारी ले ली है, तो ये कहना मुश्किल है कि वो इंजेक्शन में क्या था, आउटडेटेड था, एक्सपायरी डेट का था या लगाने का तरीका था। अब वो क्योंकि मेरे पास आपके साथ मेरे सामने आपकी ECG नहीं है, तो मेरे लिए कहना मुश्किल है कि वो माइल्ड अटैक था या नहीं था या डाउटफुल सा था, तो ये कहना मुश्किल है। लेकिन कोविड वैक्सीन जो है वो छोटे मोटे अगर हम इसके दुष्प्रभावों को छोड़ दें, जैसे दर्द हुआ, बुखार हुआ, जो पहले भी बचपन में हम DPT के टीके लगवाते थे, मेरे दर्शकों को श्रोताओं को सबको याद होगा, तो जब बचपन में मैंने भी लगवाया, तो हमारी जो हेल्थ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे, स्टाफ नर्सें थी, वो पैरासिटामोल की गोली देती थी कि जब बुखार हो तो गोली खा लेना, दर्द हो तो गोली खा लेना। तो ये लगभग उसी तरह की वैक्सीन है, ये सर्वथा सुरक्षित है। अगर छोटा मोटा कोई साइड इफेक्ट होता है तो उससे चिंता करने की और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने खाना खा लिया और खाना खाने से आपको उल्टी लगी, तो खाने में कमी नहीं है, हो सकता आपका खाने का तरीका ठीक ना हो, तेज़ी से खाया हो, उसमें ज़्यादा मसाले डल गए हों, तो उसके बेस पे हम खाने को नकारना, गलत कहना ठीक नहीं है। इसी तरह इस कोरोना वैक्सीन का के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये सुरक्षित है, प्रभावी है, और इसको जरूर लगवाएं, इससे डरे नहीं, इससे टले नहीं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर वैक्सीन को इस युद्ध में देखा जा रहा है, जिसके इस्तेमाल के बिना इस युद्ध को कम से कम नहीं जीता जा सकता। सरिता कुरुक्षेत्र से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई, मैम बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। जैसे हम मास्क यूज करते हैं तो वो कपड़े का मास्क हम कितनी बार धो के यूज, मतलब कितनी बार धो के फिर यूज कर सकते हैं उसको? हेलो डॉक्टर ज्योति, मास्क जो है डिपेंड करता है कि 3-ply है या 2-ply है, तो बेसिकली 3 layers का मास्क होना चाहिए, और उसको आप एसेंशियली धो सकते हैं कई बार, वेरेंटियर जब तक उसमें नहीं हो जाती है, मतलब 3 layers जो है वो उसकी सस्टेंड रहती हैं,
तब तक आप उसको वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। अगर वो फटने लगता है, घिसने लगता है, तो फिर आप उसको बदल लीजिए। बिल्कुल डॉक्टर ज्योति, ये सवाल लगातार बहुत कॉमनली सामने आ रहा हमारे दर्शकों की तरफ से, जहाँ पर उनका ये कहना है कि सर्जिकल मास्क को भी वो वॉश करके क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, और कॉटन मास्क क्योंकि वो ब्रीदेबल होता है, आसानी से सांस ली जा सकती है और सारा दिन आप उसको पहन सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल भी होता है, क्या उसको डेली धोना होता है या फिर दो दिन के अंतराल में या फिर एक दिन में कई बार धोना होता है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उसको थोड़ा क्लैरिफाई आप करें। सर्जिकल मास्क जो है डिस्पोजेबल होते हैं, उन्हें धोया नहीं जाता है, दे हैव टू बी थ्रोन, क्योंकि जो उनके बीच में जो माइक्रो पोर्स होते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो पोर्स की इंटीग्रिटी खराब हो जाती है यदि आप उसे वॉश कर लेते हैं, तो उनको तो डिस्पोज ऑफ करना होता है। जहां तक क्लॉथ मास्क का सवाल है, जैसे मैंने बोला कि वो एक थ्री लेयर ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए टू बी इफेक्टिव फिल्ट्रेशन सिस्टम। अब उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि मास्क जो है वो टाइटली आपके जो नोज है और आपके जो चिन का है एरिया है, इसको कवर करना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं है जब आप ब्रीद करें तो मास्क को अंदर की तरफ खींचना चाहिए। अगर ऐसा मास्क आप नहीं यूज कर रहे हैं, सिर्फ लाइटली टाई कर रहे हैं, तो वो इफेक्टिव शील्ड नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वेव के दौरान जरूर हमने जब कोविड की इंफेक्शियस कंटेजियन कम था तो हमने इन चीज को प्रमोट किया था, पर सेकेंड वेव में देखा है कि जो मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन टूल है वो मास्क ही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपने डॉक्टर ज्योति बताया है कि मास्क होता है सांस के समय अंदर खींचना चाहिए, तभी पता चलेगा कि पूरी तरीके से फेस आपका कवर्ड है, उसको लेकर जानकारी बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। इस बीच एक और दर्शक बलदेव जी हमारे साथ पलवल से जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे को दो मई को कोरोना हुआ था जी, फिर उसके बाद मैंने चेकअप कराया 5 मई को, फिर उसमें पॉजिटिव आया, और उसके बाद मैंने अपने घर में होम क्वारंटाइन हुआ, और उसके बाद अब मैं ठीक हूँ। अब मुझे अपनी डाइट कब कितनी क्या लेनी चाहिए और मुझे टीका कब लगवाना चाहिए? डॉक्टर शैलेंद्र, हाँ जी, आपने जैसे कहा कि 5 मई को आप कोरोना से पॉजिटिव आए, 2 मई को संक्रमित आपको लगता है जैसे आपने बताया, तो इस बारे में मेरी आपको सलाह है और जो भारत सरकार की रिकमेंडेशन है विशेषज्ञों की तरफ से, वो यही है कि आपका जो आपको भोजन अच्छा करना है, खासतौर पर जिसमें वसा कम हो, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन जो है आपके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। वसा खाने से उल्टियाँ हो सकती हैं, कईयों को वसा हजम भी नहीं होता है, तो इस बारे में आपने अच्छा भोजन करना है, खासतौर पर ऐसा भोजन हरी सब्जियाँ, दालें, प्रोटीन, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो होता है सोयाबीन में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन। तो सोयाबीन की कई तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे सोयाबीन का दूध, सोयाबीन का पाउडर, सोयाबीन का आप देखिए आटा भी आता है, तो सोयाबीन की बड़ियाँ आती हैं, इनको आप प्रयोग करिए, इनसे आपकी प्रतिरोधी क्षमता शरीर की बहुत अच्छी बढ़ेगी। प्रोटीन तो वैसे भी जितना आपका वजन है उतना पर डे के आपसे आपको उतने मिलीग्राम खाना है, जैसे आपका 60 किलो है तो 60 हो गया, तो इस तरह से आप 60 मिलीग्राम पर डे हो गया, और प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत दालें होती हैं, ये आपने इनका सेवन करना है। और इसके साथ साथ जहाँ तक उसका सवाल है कि कोई दवाइयों का, वो बी कम्प्लेक्स हैं, तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट दवाइयाँ हैं, उनका सेवन करें, वो भी आपके शरीर की प्रोटीन क्षमता को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, अगर आपके घर में आपको कोरोना जैसे हो गया है, हमने दुश्मन का सामना करना है, लेकिन हमने डरना नहीं है, घर में हमने और बाकी सबको हमने इस बीमारी से बचाना है। और जैसे डॉक्टर ज्योति बता रही थी कि आपने कोरोना होने के बाद बाकी परिवार के सदस्यों को भी बचाना है, और इसके बारे में जो भी दिशा निर्देश भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार से दिए गए हैं या स्वास्थ्य विभाग के आपको विशेषज्ञ जो बताते हैं, उनका जरूर पालन करना है, और आपने अपने से औरों को भी बचा के रखना है। ठीक है, एक और दर्शक बनफूल साहब हमारे साथ जुड़ गए गुरुग्राम से, सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार, कहिए। ऐसा है जी, मैं 12 तारीख को पिछले महीने को कोरोना पॉजिटिव हो गया था, है जी? जी। पिछले महीने 12 तारीख को जी। और मेरा 1 तारीख को टेस्ट हुआ था आरटीपीसीआर का जी। तो मैं रिपोर्ट आई थी 2 तारीख को, तो रिपोर्ट मेरी आ गई नेगेटिव, लेकिन उसके बाद में अब मैं जो है दवाई तो कोरोना की बंद कर दी डॉक्टर साहब ने, बोले कोई दवाई नहीं खानी अब, तो अभी मेरे को जो है कोई बुखार नहीं, खांसी नहीं, कोई पैरों में दर्द नहीं, लेकिन ऐसा है कि मेरे को वीकनेस कमजोरी ये बहुत ज़्यादा है, मैं चलता हूँ 4-5 कदम तो मेरी सांस जो है बहुत फूलती है, एक हल्की सी थोड़ी सी खांसी
अभी है, वो थोड़ा आराम मिल रहा है, ठीक हो जाएगी। लेकिन जो है अभी चलने में सांस ज्यादा फूलती है, तो मैं अब इसके बाद में अब कोरोना ठीक हो गया तो अब मैं क्या मेडिसिन लूं, या कोई ना लूं, या क्या ऐसी चीज डाइट में लूं जिससे मेरी जो है थोड़ी शरीर में जान आ जाए, डॉक्टर जी तो इसके बारे में बात कर लें। आपकी उम्र बताएंगे जरा एक बार? मेरी उम्र है जी 66 साल की होगी। ये देखा गया है कि कोरोना के बाद या वैसे भी किसी वायरल इलनेस के बाद जो कन्वेलसेंस पीरियड होता है, मतलब रिकवरी का टाइम होता है, वो कई हफ्तों का हो सकता है, और कोविड में ये कन्वेलसेंस पीरियड 2 से 3 महीने का हो सकता है। तो चिंता की बात नहीं है, आप बेसिकली जहाँ तक, क्योंकि कोरोना सीधे आपके लंग्स को अफेक्ट करता है और उसके जो फंक्शनिंग कैपेसिटी होती है लंग्स की उसको अफेक्ट करता है, तो लंग्स की फंक्शनिंग कम होने का मतलब है आपको जो मेहनत करनी पड़ती है आपके लंग्स को ब्रीथ करने के लिए, इसलिए जब आप चलते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी, इसलिए आप धीरे धीरे अपना स्टेमिना बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब है कि जितना आपसे पॉसिबल होता है उतनी सैर कीजिए, बैठे नहीं रहिए, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, प्राणायाम होते हैं, उसको कीजिए, और साथ में अच्छा खाएं पिएं। इसके लिए कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है, आपके डॉक्टर ने जो कोई बेसिक मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह दिया है सिर्फ वही लेने की जरूरत है, और खान पान अपना अच्छा रखने की जरूरत है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया भी था। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ब्रीदिंग में ज्यादा डिफिकल्टी आती है, या आपको लगता है कि आप सांस लेते हैं या बहुत मेहनत करते हैं तो चक्कर आने लगते हैं, तो आप पल्मोनोलॉजिस्ट की सलाह लें, क्योंकि कई बार लंग्स की बीमारियां ओल्डर एज ग्रुप में, स्पेशली यदि स्मोकिंग की हिस्ट्री रही है, तो ओल्डर एज ग्रुप में वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज या इंटरस्टीशियल लंग डिजीज की फॉर्म ले लेती हैं। तो कई जगहों पे पोस्ट कोविड क्लिनिक खुल चुके हैं, और इन पोस्ट कोविड क्लिनिक्स में आपकी देखभाल के लिए और इस डायग्नोसिस के लिए भी देखा गया है कि आपकी कोई और आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जिसके लिए दवा की जरूरत है, लेकिन अपने आप से कोई दवा नहीं लेना है। दूसरा स्टीम इनहेलेशन है, वो लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। नॉन पोल्यूटेड एरिया में रहें, अंदर रहें, और मास्क का यूज करते हैं तो पोल्यूशन से भी बचते हैं, तो वो आपकी ब्रीदिंग के लिए अच्छा होता है। और वीकनेस धीरे धीरे चली जाएगी, उसके लिए आप नॉर्मल खाएं पिए और थोड़ी सी एक्सरसाइज जितनी आप कर सकते हैं वो जरूर करते हैं। इस बीच एक और दर्शक हमारे चंडीगढ़ से पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़ गए, सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैम मुझे एक्चुअली ये पूछना है कि मॉम को एक्चुअली माइग्रेन की दिक्कत है और उनकी मेडिसिन चल रही है, तो इसके साथ तो वैक्सीन का कोई इश्यू तो नहीं होगा? डॉक्टर शैलेंद्र हाँ जी, ये माइग्रेन आप जानते हैं सारे के सारे के आधे सिर की या पूरे सिर की बीमारी है, जिसमें कई ऐसे ट्रिगर के साथ सिर दर्द हो सकता है। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि इसके वैक्सीन लेने का है, वैक्सीन का और माइग्रेन का कोई सीधा संबंध नहीं है, ये सुरक्षित है। आप माइग्रेन होने के साथ साथ ये वैक्सीन ले सकते हैं, और तो आपने डरना नहीं है, ये लगवाइए, चाहे किसी भी आयु के लोग हो, अगर माइग्रेन है तो आप लगा सकते हैं, सुरक्षित है। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से जितने भी वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन है वो यहाँ पर धीरे धीरे लोगों के दूर हो रहे हैं, और होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। डॉक्टर शैलेंद्र, थोड़ी देर पहले जब आप एक दर्शक के सवाल का जवाब दे रहे थे, डाइट को लेकर आपने जिक्र किया, डिटेल में बताया, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स जो दिन रात कोरोना महामारी में काम कर रहे थे और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता डाइट पर उतना ज़्यादा फोकस करने को लेकर, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, उनके लिए क्या कोई अल्टरनेटिव आप बताएंगे? देखिए, जहाँ तक फ्रंट लाइन्स की बात है, जैसे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं या स्थानीय प्रशासन के लोग हैं, इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए भी हिदायतें तो वही हैं कि शरीर तो उनका भी वैसा ही है, कोरोना वायरस तो किसी को बख्शता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए भी वही हिदायतें हैं कि वो भी इसका ध्यान रखें और कोशिश करें, क्योंकि व्यस्तता है, अपने साथ टिफ़िन ले जाएँ, खाना साथ रखें, और जंक फूड से बचें, क्योंकि हम हो सकता है ऐसी परिस्थितियों के अंदर हम ऐसा भोजन करें जो जल्दी से खा लें, सैंडविच खा ली या आपने जंक फूड खा लिया, आप मंचूरियन जैसी चीज़ें हैं, और ये चीज़ों से आपने बचना है, क्योंकि ये आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद नहीं करते, बल्कि ये आपके शरीर के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। ठीक है, हमारे दर्शक ज्योति जी जुड़ गई हमारे साथ पानीपत से, सर उनका सवाल ले लेते हैं पहले। ज्योति जी कहिए, ध्यान रखना जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं।
मैम आपसे दरख्वास्त है कि टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें, जिससे कि आपकी आवाज साफ पहुंच सके और हमारी आवाज आप तक साफ मिल सके। हेलो ज्योति जी, कहिए, सवाल पूछिए अपना। जी मेरे को ना कोरोना हो गया था जी 24 तारीख को जी। मैं रिपोर्ट नॉर्मल आई, मैं ठीक हूँ, मतलब पॉजिटिव थी, अब मैं ठीक हूँ। मतलब मेरे हाथ पैर बड़े दर्द करते हैं, सोज न आती है हाथ पैरों में, चला नहीं जाता। डॉक्टर ज्योति, 24 मई को आपको प्रॉब्लम हुई थी, अब आप कोविड नेगेटिव हैं, तो अभी काफी, अभी आप फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ कन्वेलसेंस में हैं। इस दौरान हाथ पांव में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, वीकनेस महसूस होना, फटीग होना, थकावट होना नॉर्मल है, रिकवरी के साइंस है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल खाएं पिए, अच्छा खाएं पिए, थोड़ी सी जितनी आपकी कैपेसिटी है उतनी एक्सरसाइज, स्पेशली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए। दर्द ज़्यादा होता है तो आप पैरासिटामोल यूज कर सकते हैं, और अगर स्थिति खराब होती है और इम्प्रूव नहीं होती है, खासकर अगर आप सूजन की बात कर रहे हैं, हाथ पाँव में एडिमेटस सूजन आती है, मतलब कि आप दबाते हैं सूजन को और गड्ढा बना रह जाता है, तो डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि उसमें फिर हमें आगे जानकारी हासिल करनी पड़ेगी कि तकलीफ किसी और कारण से तो नहीं। ठीक है, इस बीच महामारी को लेकर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई और अब लगातार उसको लेकर भी कमी देखने को मिल रही है। नेहा जी हमारे साथ जुड़ रही है चंडीगढ़ से, बहुत स्वागत है मैम, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, ये पूछना चाहती हूँ, मुझे ना अनीमिया की दिक्कत रहती है, मेरे में ब्लड कम रहता है बॉडी में, तो अगर मैं कोविड को वैक्सीन या कोविशील्ड लगवाती हूँ तो कोई बॉडी पे इफेक्ट तो नहीं आएगा, लगवा सकती हूँ? डॉक्टर शैलेंद्र, देखिए अगर मैं मोटे तौर पे बात करूँ तो अनीमिया का मतलब जो आपको बता दूँ मेडिकल दृष्टि से, कि अनीमिया की परिभाषा ये है कि अगर रोगी के व्यक्ति के शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 10 ग्राम प्रतिशत से कम हो। अगर अब ये आपने नहीं बताया कि आपने हीमोग्लोबिन कितना कम है, लेकिन क्योंकि अनीमिया के लोग जो हैं वो प्रतिरोधक क्षमता उनकी थोड़ी कम होती है, लेकिन उनके इस बीमारी के चपेट में आने की संभावना भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनके लिए वैक्सीन तो लगवानी ही चाहिए, और साथ साथ ये भी दिखवाना चाहिए कि एनीमिया का कारण क्या है, कि खाने पीने की कमी से है या ये कोई गुर्दे की तकलीफ है या शरीर का कोई और विकार है उनके शरीर के अंदर, उसका कारण किसी विशेषज्ञ से, किसी योग्य फिजिशियन से जरूर कराएं और उसको दूर कराएं। लेकिन ऐसे लोगों में भी वैक्सीन बहुत जरूरी है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है आपकी। लेकिन मैं प्रश्नकर्ता से ने ये नहीं बताया कि कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है, लेकिन उनको मेरी सलाह है कि वो अनीमिया का इलाज भी साथ साथ कराएँ, क्योंकि अनीमिया से और दिक्कतें बहुत हो सकती हैं। जैसे अभी एक कॉलर ने सवाल पूछा था कि मेरे पैर में सूजन है, और डॉक्टर ज्योति ने बताया था कि वो ये भी जांच कराएं कि उसके पैर में सूजन के और क्या कारण रखते हैं, क्योंकि हृदय रोगी गुर्दे की जो तकलीफ है उनमें, या खून की कमी से, और इसके अलावा और कुछ और कारण हैं जिनसे पैरों में सूजन हो सकती है, जो कि खून की कमी से भी आ सकती है। तो आप किसी फिजिशियन से उनकी जांच कराएं, और जैसे उसकी जांच निकलती है उसके मुताबिक आपके फिजिशियन जो है उसका उपचार करें। ठीक है, विनोद कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे अगले दर्शक। सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी सर, आप आवाज मिल रही है? हाँ जी, सवाल पूछिए विनोद जी। ऐसा ही, हेलो बोलिए विनोद जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप सवाल पूछिए। ऐसा है जी, मैं टीका लगवाया था 1.5 महीने पहले के अंदाज, ये कोरोना का टीका 1.5 महीने पहले लगाया था जी, तो उसके बाद मुझे थकावट हो रही है, कुछ घबराहट हो रही है, मतलब जैसे शरीर खसाता का रहता है, तो ये इसका कारण पूछना चाहता हूँ, टीके से कोई ऐसा वो तो नहीं हो गया? डॉक्टर ज्योति, देखिए वैक्सीनेशन की वजह से कई हफ्तों तक थकावट है ना, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली देखी जाती है, और उसमें आमतौर पर दर्द होना या थोड़ी बहुत फीवर होना या स्टमक अपसेट होना, ये सिम्टम्स रहते हैं। अगर 6 हफ्ते के बाद भी आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो उसका मोस्ट प्रोबेबली कारण वैक्सीन नहीं है, कोई और कारण है। दूसरी बात ये है कि कई लोगों को हमने अभी देखा है OPD में, जिन्हें वैक्सीन के से रिलेटेड बहुत भ्रम थे, उनमें एंग्जाइटी लेवल्स बहुत बड़े हैं, और वैक्सीनेशन के बाद
उस एंग्जाइटी की वजह से उन्हें तनाव रहता है कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, और इस तनाव की वजह से जरूर मांसपेशियों का खिंचाव बना रहता है, जिस वजह से थकावट देखी गई है। इसीलिए यदि आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड एंग्जाइटी रही है या पहले भी आपको घबराहट की या एंग्जाइटी की तकलीफ रही है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको ये तनाव के लक्षण हैं और इनका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है डॉक्टर शैलेंद्र, इस बीच आप जिक्र कर रहे थे एनेमिक को लेकर और हीमोग्लोबिन को लेकर, ऐसे में एक सवाल मेरा ये भी है, जो लोग बचपन से ही एनेमिक है इसको लेकर भी सवाल मैं कंटिन्यू आगे करूंगी। इस बीच सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब, सवाल पूछिए सर। जी मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया था जी 30 अप्रैल को जी, नमस्कार जी 30 अप्रैल को जी, नमस्कार जी। जी जी बोलिए सवाल पूछिए। तो मैं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जी थोड़ी थकावट होती है, नमस्कार बोलिए बोलिए, उसमें थोड़ा दर्द मारता है जैसे ठंडे पानी वगैरह में नहाते हैं तो ये दिक्कत हो जाती है जी। डॉक्टर शैलेंद्र हाँ जी, जैसे आप देखिए कि आपने बताया तो ये लगभग 35 दिन पहले आपको कोरोना पॉजिटिव हुए थे और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आप ठीक हो गए, लेकिन उसके कुछ ऐसे लक्षण हैं जो उसके बाद रह सकते हैं जिसको पोस्ट कोविड सिम्टम कहते हैं, जिनमें घबराहट आना या ये कह सकते हैं नींद ना आना या सांस चढ़ना, ये हो सकते हैं, और इनसे आपने घबराना नहीं है बल्कि आपने इनका सामना करना है। फॉर जैसे मैंने बताया कि आपका चिंता हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो ये सारे मनोवैज्ञानिक लक्षण हो सकते हैं जैसे डॉक्टर ज्योति कपूर ने अभी बताया, तो आपने इनसे घबराना नहीं, ये स्वाभाविक है, और मन मजबूत रखना है आपने। अगर आपका मन मजबूत है और आप इच्छा शक्ति आपकी दृढ़ है तो ऐसा कोई काम नहीं जो आप जीवन में ना कर सकें, तो इसलिए आपने घबराना नहीं इन बातों से। ठीक है, इस बीच सवाल में ये पूछ रही थी डॉक्टर शैलेंद्र आपसे कि जो लोग एनेमिक हैं बचपन से ही उनको खून की कमी है, उन लोगों के लिए कोरोना महामारी कितनी डेंजरस है और खासतौर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में वो क्या करें क्या ना करें, क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए जहाँ तक अनीमिया का ताल्लुक है, अनीमिया हमारे देश में जो है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है, और वो इसलिए पाया जाता है कि हमारे देश की महिलाएं जो अपने परिवार का ख्याल रखती हैं, सबसे अंत में भोजन करती हैं, कोई मेहमान आ जाए तो दोबारा ना बनाना पड़े इसके लिए कहते हैं मेरे को भूख ही नहीं लग रही, और इसके अलावा पेट में जो कीड़े हैं वो एक बहुत बड़ा कारण है खून की कमी का, और इसके अलावा महिलाओं के अपने व्यक्तिगत कारण भी होते हैं जिनसे खून की कमी हो सकती है, तो ये सब कारण है। ऐसा नहीं कि पुरुषों में खून की कमी नहीं होती जिसे अनीमिया कहते हैं, वो दोनों में हो सकता है लेकिन महिलाओं में थोड़ी संभावना ज़्यादा होती है, तो हमें अनीमिया के जितने भी लोग हैं उनको जितने भी उससे पीड़ित है या उनको कोई संशय लग रहा है उसकी जांच जरूर कराएं, और अनीमिया इसमें मैं ये बता रहा हूं थोड़ा इसके अंदर कि अनीमिया के जो लोग हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कम होगी तो ऐसे लोगों को कोरोना की बीमारी ज़्यादा असर करेगी, उनके लिए वैक्सीन और ज्यादा जरूरी है। ठीक तो है, हमारे दर्शक नीलू राम जी हमारे साथ सर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए अपना। जी मैं 8 तारीख को टीका लगवाया था मैम, 8 मई को, ठीक है, कोविशील्ड लगाया था मुझे जी, तो सर मेरे उसके आपसे दरख्वास्त है कि पहले आप अपना टीवी का वॉल्यूम सर कम कर दें जिससे कि आपकी आवाज साफ मिल सके। मेरे हर बोर्ड में दर्द रहता है। सर अपना सवाल दोहराइए। मैं कह रहा हूँ मैंने 8 मई को टीका लगवाया था कोविशील्ड का जी, तो मेरे अब जोड़ जितने हैं ना जहाँ भी कभी दर्द अभी पहले होता था या चोट लगी हुई कभी, सभी जोड़ों में दर्द रहता है मेरे में। हाँ। डॉक्टर ज्योति उम्र कितनी है सर आपकी, उम्र कितनी है आपकी? नीलू राम जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी हाँ जी। आपकी उम्र क्या है, एज क्या है मैम पूछ रही हूँ? 71 साल। 71। और पहले आपको जोड़ों की तकलीफ नहीं रही है? नहीं जी। जनरली कोविशील्ड या किसी भी वैक्सीन का जोड़ों के दर्द से कोई लिंक नहीं देखा गया है, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया जोड़ों का दर्द जो है वो आमतौर पे आपकी न्यूट्रिशनल कैपेसिटी यानी कि आपका खान पान कैसा है, आपकी उम्र, आपको पहले से जोड़ों की तकलीफ रही है, आर्थराइटिस वगैरह रही है कि नहीं रही है, इन सब पे डिपेंड करता है। कुछ जोड़ों की परेशानी जो है वो इन्फ्लेमेशन
या फिर तनाव ज्यादा होने की वजह से भी होती है। तो एज सच वैक्सीन का इससे कोई लिंक नहीं है, मेरी राय यही होगी। अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो किसी रूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन को दिखाएं ताकि इसका सही डायग्नोसिस हो सके और जरूरत के हिसाब से ट्रीटमेंट हो सके। ठीक, इंद्रपाल हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सर बहुत स्वागत है, सवाल पूछे अपना। जी मेरा जिला खून ब्रेड है, वो नेगेटिव है जी, वो नेगेटिव जी, मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ जी? सर सवाल पूछिए अपना। मैं इंद्रपाल सिंह बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, मेरा खून जो नेगेटिव ओ है जी, मैं वैक्सीन का कोई असर तो नहीं है? सर आपसे दरख्वास्त है कि आप हिंदी में सवाल पूछें, डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं और वो आपके सवाल का जवाब देंगे। मैं तो कह रहा हूँ मैं मेरा खून ब्लड प्रेशर जो है ना ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव है और नेगेटिव है जी, वो नेगेटिव। आपका ब्लड ग्रुप वो नेगेटिव है, ये वैक्सीन के लिए कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगातार जिस तरीके को लेकर लोगों की कन्फ्यूजन सामने आ रही है कि वैक्सीन को लेकर क्या करना चाहिए, तो पूरी डिटेल में हमारे डॉक्टर्स इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी केस में अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ज़्यादा सीवियर केस नहीं है, वैक्सीनेशन के प्रक्रिया में हिस्सा लें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर शैलेंद्र आप जिक्र कर रहे थे एनेमिक लोगों को लेकर, लेकिन बड़ी समस्या इसको लेकर भी है कि बहुत ज़्यादा जो बुज़ुर्ग हैं या फिर पहले से कई गंभीर बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं वो भी परहेज़ कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से। जी उनके मन में एक वैसे भी एक भ्रम सा हो गया है कि वैक्सीन से कुछ उनको नुकसान ना हो, उनके शरीर को असर ना पड़े। तो मेरा उन लोगों की सलाह है कि जो बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे लोग हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो युवा लोगों की अपेक्षा में कम होती है, और खासकर बुजुर्गों को जिनको और बीमारियाँ और व्याधियाँ ज़्यादा होने की संभावना बनी रहती है, जिसमें मधुमेह की बीमारी होगी, उच्च रक्तचाप हो गया और इसके वाला कैंसर है और इस तरह की कुछ किडनी की तकलीफ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसे कहते हैं, इन बीमारियों पर शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। तो और वैसे भी बढ़ती उम्र के साथ शरीर में जैसे ढलना शुरू होता है तो शरीर की जो इम्यूनिटी है वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, अनीमिया में भी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो आपने ऐसी परिस्थिति में जरूर लगवाना है। क्योंकि अगर आप देखें कि हमारे देश में कोरोना से जितनी मौतें हुई हैं उसमें काफ़ी मौतें ऐसी हुई हैं जो कि सीनियर सिटीजन थे, 60 साल से ज़्यादा थे और कई बीमारियों से ग्रस्त थे जिसमें मधुमेह भी एक बीमारी है। तो ऐसे लोगों लिए तो और आवश्यक है। तो मेरी ऐसे लोगों को सलाह है कि बुजुर्ग लोग टीका जरूर लगवाएं, सरकार ने भी कहा था और हमारे भी यही सलाह है कि वो टीका। इस बीच हमारे दर्शक किशन जी हमारे साथ जुड़ गए, सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। किशन जी आपसे दरख्वास्त है कि टीवी का वॉल्यूम आप कम कर दें और थोड़ा सा हटकर आप बात करें जिससे कि आपकी आवाज साफ मिल सके। जी बिल्कुल, टीवी की आवाज बिल्कुल ही बंद है जी। जी बोल पूछिए, सवाल पूछिए अपना। जी मैंने ये कोविशील्ड का इंजेक्शन लगवाया था 12 अप्रैल को जी। जी और अभी दो तीन जगह मॉर्निंग भी फोन किया, अभी नहीं लगे तो टेम हो गया ज्यादा, 4-5 हफ्ते के बोल रहे थे जी। हाँ। अभी बोलते 84 दिन में लगेगा, 12 हफ्ते का। तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा जल्दी लगवा दो दूसरा इंजेक्शन। डॉक्टर ज्योति। हाँ जी एक बार दोबारा बताएंगे, मैं मिस कर गई आपको। एक कोविशील्ड का इंजेक्शन लगा था, दूसरा कितना समय हो गया आपको इंजेक्शन लगवाए हुए? 12 तारीख को लगे था अप्रैल को जी, चौथे महीने की जी। तो जो गाइडलाइंस है करंट उसके हिसाब से 3 मंथ में आपने इंजेक्शन लगवाना है। 12 तारीख को आपको लगा है तो आपको 12 जुलाई के आसपास इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है किशन जी, उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। जिस तरीके से सरकारी गाइडलाइंस को जारी किया गया है, आप सभी दर्शकों से जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं यही अपील है कि गाइडलाइंस का पालन करें, इंतजार करें अपनी बारी का। किसी एक वैक्सीन की पहली डोज के बाद किसी और वैक्सीन को आप ना लें, आप अपने डॉक्टर्स का सलाह जरूर लें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसी के अनुसार आप वैक्सीन लें। और डॉक्टर शैलेंद्र जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि महामारी ने जिस तरीके से जद में लिया शहरों को और ग्रामीण अंचल भी इसकी चपेट में आने से अछूते नहीं रहे। गाँव वालों की खासतौर पर हम बात करें जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? आंसर आपसे लूँ उससे पहले हमारे एक और दर्शक रामचंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामचंद्र जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सर पूछिए सवाल। हाँ मैडम, मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब से है
कि मेरी वाइफ है उनको क्लोटिंग हो गई थी 8 दिसंबर को और अभी भी वो दवाई ले रही है, उसकी चल रही है दवाई, तो क्या उनको वैक्सीनेट करवाया जा सकता है? डॉक्टर शैलेंद्र, नहीं मैं थोड़ा सवाल जरा दोहराएंगे जरा, पहली लाइन मुझे समझ नहीं आई जरा प्लीज कृपा करके। मेरी वाइफ है, उम्र है उनकी 50 साल जी। हाँ जी जी आगे बोलिए। जी 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 बोलिए बोलिए। उनको क्लोटिंग हो गई थी सर। आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल दोहराइए। हाँ आ रही है आवाज। सवाल उनको क्लोटिंग हो गई सर, अभी भी उनकी दवाई चल रही है उनको। जी जी उनकी दवाई चल रही है अभी भी क्लोटिंग की, वो ठीक है वैसे दवाई चल रही है, क्या उनको वैक्सीनेट करवाएं या नहीं? अभी देखिए आप ये देखिए, नहीं आप ये बताइए क्लोटिंग कहाँ हुई थी ये जरा बताइए, स्पष्ट करिए। उनको उनको सर दिमाग में हुई थी। देखिए वैसे तो ये सुरक्षित है, जहाँ तक कोविशील्ड की बात है उसके कुछ इक्का दुक्का केस सामने में आए हैं जिनमें क्लॉटिंग के केस देखने में आए हैं, लेकिन जो चिकित्सीय विज्ञान है इसके अंदर हम रेशो के हिसाब से लेते हैं, अगर कोई चीज़ 1000 लोगों के अंदर ठीक है और 4 लोगों के अंदर साइड इफेक्ट है तो हमको सुरक्षित मानते हैं। फिर भी इसके लिए आप अपने फिजिशियन से जरूर सलाह ली, और जो टीम वहाँ बैठी है वो फिर भी आपके सारे कागज देख के और सारी रिपोर्टें देख के जिनमें INR PTI PTT के APTT जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे देखेंगे, आप PCT से रिपोर्ट देखेंगी कितना बड़ा साइज है क्लॉट का, किस एरिया में है, वो सारा का सारा देखेंगे, उसके बाद ही वो इसके बारे में फैसला करेंगे। तो आप अपनी जहाँ भी भिवानी के रहने वाले हैं भिवानी के जिला अस्पताल में जाइए, या जहाँ टीके लग रहे हैं वहाँ टीम होती है, सबसे बढ़िया है कि आप जिला अस्पताल में जाके वहाँ जो फिजिशियन हैं उनसे बात करिए, वो आपको इसके बारे में सही सलाह देंगे, क्योंकि मेरे सामने आपकी बीमारी से संबंधित दस्तावेज नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ग्रामीण अंचल के जहाँ पर लोग पहले तो इस बीमारी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, और जब मानना शुरू किया तो उसके बाद जो डूज एंड डोंट्स है उसको भी वो फॉलो नहीं कर रहे थे, ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को क्या टिप्स आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ जी, जैसे हम देख रहे हैं कि गांवों के लोग ज़्यादा लापरवाह हो गए थे, और अभी ये अब जो कोरोना का जो तीसरी जो लहर का असर है वो तो गांवों तक पहुंच गया है, दूसरी लहर का असर गांवों तक पहुंच गया है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि हो सकता है कि वो रात को आलस से बरतें, कोई तकलीफ हो जाए, ऐसी काम चला लें और सावधानी ना रखते हों, और इसलिए इसका सबसे बड़ा कारण है कि बहुत लापरवाह हो गए थे, उन्होंने चिंता बंद कर दी थी। मैं भी कुछ गाँव में गया हूँ और वहाँ गांव में जाते थे कई लोगों ने मास्क नहीं लगाते थे, किसी को कहते थे मास्क लगाओ तो वो कहते थे कोरोना कहाँ है, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, कुछ लोग कहते थे मेरी सेहत बहुत अच्छी है मेरा कुछ नहीं कर पाएगा वो, तो ऐसा नहीं है। ये मैं अपने श्रोताओं को बता दूँ, दर्शकों को बता दूँ कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जिसका कोई दीन ईमान नहीं है, ये अदृश्य है, जो अदृश्य दुश्मन है वो बहुत खतरनाक है, आपको जो दुश्मन दिख रहा है उसको आप गोली मार सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं या उसको बेहोश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा दुश्मन जो आपको दिख नहीं रहा, जो पल पल अपना पल पल कुछ समय बाद अपना चरित्र अपनी छवि बदलता है, ऐसे वायरस से बचिए, तो बहुत खतरनाक किस्म का वायरस है। यहाँ पर अल्टीमेटम है और उसी को लेकर सावधानी भी बरतनी है। हमारे एक और दर्शक राजेंद्र जी हमारे साथ सर जुड़ गए, राजेंद्र जी सवाल पूछिए। मैडम मेरे को ना, मैंने वैक्सीन भी लगवा रखी है और मेरी 65 साल उम्र है, लेकिन मैं कोरोना नेगेटिव ही है, मेरे कोई कोरोना नहीं आया पॉजिटिव, लेकिन बार बार मेरे को नाक से ना ऊपर की ओर सांस खींचने की जी करता रहता है और करने की कोशिश करता रहता हूँ। डॉक्टर ज्योति, देखिए कोरोना वायरस में सांस की बीमारी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांस की तकलीफ और किसी तकलीफ में नहीं होती है, खासकर अगर आपको नाक से खींचने में दिक्कत हो रही है सांस, तो आपको ENT एडवाइस लेने की जरूरत है। पॉसिबल है कि कुछ कंडीशंस होती हैं ENT की जिसमें नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, या साइनसाइटिस होता है, या नेजल पैसेजेस होते हैं उनमें सूजन या इंफ्लेमेशन होती है, जिस वजह से आपको नॉर्मली सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो आप कोविड से मत डरिए, ऐसा नहीं है कि पिछले 1.5 साल में जो भी हुआ है वो कोविड की वजह से ही हुआ है, किसी और वजह से नहीं हुआ है। नॉर्मल ENT स्पेशलिस्ट से आप अपनी एक बार जाँच कराइए और उस जाँच के आधार पर ट्रीटमेंट लीजिए, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से लगातार परेशानियाँ लोगों के सामने आ रही है, इन सब के बीच अब फंगस भी आ गया है मैम, उसको लेकर क्या टिप्स आप देखना चाहेंगी, क्योंकि फंगस हर जगह पाया जाता है, गंदगी में, मिट्टी में भी और वातावरण में भी। सबसे ज्यादा जैसे शुरुआत में ही आपने बोला था कि कोविड की जो बीमारी है वो शारीरिक ना होके मानसिक बन चुकी है, इसलिए हम हर चीज को कोविड से रिलेट करने लगे हैं। और जो पीछे म्यूकर माइकोसिस के केसेस आए हैं और उससे जितना लेवल ऑफ मॉर्बिडिटी होता है उससे भी बहुत लोग डर गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट समझने की बात यह है कि म्यूकर माइकोसिस वहां पर होने की संभावना ज्यादा होती है जहाँ पे इम्यूनिटी सप्रेस हो चुकी है, जैसे स्टेरॉइड की वजह से। ऑक्सीजन का जो यूज है उसमें ऑक्सीजन की प्योरिटी पे डाउट रहा है, और इसके साथ साथ जो ट्रीटमेंट है वो डीले हुई है, तो उस वजह से म्यूकर फैला है। इन जनरल अगर आपको म्यूकर माइकोसिस से बचना है तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है जो कोविड से करना है, वो ये है कि अपने आप को क्लीन रखें, सैनिटाइज रखें। दूसरा, जो हम मास्क यूज करते हैं, अब फंगस कहाँ ग्रो करती है? फंगस ग्रो करती है ऐसी जगह में जहाँ ह्यूमिडिटी होती है और हीट होती है। जब आप एक ही मास्क को बार बार रिपीटेडली यूज करते हो तो उसमें फंगस के ग्रो करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मास्क जो है जैसे सर्जिकल मास्क हैं उनको डिस्पोज ऑफ करें। जो क्लॉथ मास्क हैं, शुरुआत में बात चल रही थी उसको वॉश करने की, उसे हर यूज के बाद वॉश करना है। वॉश करने के लिए यूजफुल है कि हॉट वाटर का यूज करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें और धूप में उसे सुखाएं, और ड्राई रखने की कोशिश करें अपनी एनवायरनमेंट को, क्योंकि फंगस जो है वो ह्यूमिडिटी में पनपती है जब गीलापन ज्यादा होता है। और यदि आपको ऐसे कोई लक्षण लगते हैं तो आप ईएनटी डायग्नोसिस ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं, अगर आपको कोविड हो चुका है या इस तरह के लक्षण मिलते हैं। सीधी सी बात है, जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, जितना हम रिलैक्स रहेंगे, जितना हमारे मन में डर कम होगा, उतना हम प्रैक्टिकल सोच सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली इन तमाम एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर कर रहे हैं या आप बता रहे हैं उसे फॉलोअप भी यहाँ पर किया जाए। एक और हमारे दर्शक मुरलीधर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। मैम, अगर कोई प्रेगनेंट लेडी है और एक महीने बाद उनकी प्रेगनेंसी की डेट है, अभी वो कोरोना से क्योर हुई है लेकिन उन्होंने वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण वगैरह किया नहीं है, हेलो जी जी जी, और उनका जो कोरोना है वो अभी क्योर हो चुका है यानी अभी वो नॉर्मल है, तो क्या उनके बेबी पर उसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा वीकनेस है उनको? ठीक है डॉक्टर ज्योति। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बेबी पे आया हो ऐसी कोई स्टडीज नहीं बता रही है। और दूसरा, प्रेग्नेंट फीमेल्स को, लैक्टेटिंग फीमेल्स को वैक्सीन नहीं लेना है, क्योंकि ये स्टडीज प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स में नहीं हुई है। तीसरा, जो ट्रांसमिशन की बात है, अगर वो कोविड नेगेटिव हो चुकी हैं तो ट्रांसमिशन का ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए, अनलेस कोई सिम्टम्स हो और हमें चेक करने की जरूरत हो। तो ट्रांसप्लेजेंटल ट्रांसमिशन ऑफ कोविड के बारे में डाउट रहे हैं पर बहुत केसेस नहीं देखे गए हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल रहे, लेकिन वैक्सीनेट वो नहीं करा सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करके। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि इन तमाम एहतियात कदमों को बढ़ता जाए। सुभाष जी जुड़ गए हमारे साथ पलवल से, हमारे दर्शक बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। मैडम, ऐसा है कि मैंने 22 मार्च को कोविड का इंजेक्शन लिया था डोज जी, तो अब मुझे 10 मई को कोरोना से मुझे मतलब कि नेगेटिव आया है, तो मुझे अगले इंजेक्शन कब लगाना चाहिए दूसरी डोज? ठीक है, सीएमओ साहब जवाब दीजिए। हाँ जी, आपने 22 मार्च को जो लगवाया था पहला टीका, वो आपने स्पष्ट नहीं किया आपको टीका कौन सा लगा था, कोवैक्सीन लगी थी या कोविशील्ड लगी थी? क्योंकि दोनों टीकों के अंदर पहले और टीके और दूसरे टीके की अवधि के अंदर डोज के अंदर जो है कोविशील्ड लगा था। हाँ, कोविशील्ड के अंदर आपको 3 महीने का गैप देना है, यही अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है भारत सरकार की तरफ से, तो 90 दिन का आपने गैप देना है, वो देख लीजिए कि 90 दिन आपने जोड़ देने हैं, लगभग 3 महीने का गैप लगाना है। और मैं इसके साथ साथ दर्शकों श्रोताओं को बता दूं कि कोवैक्सीन अगर के लगवा रहे हैं तो उसमें 28 दिन का गैप चाहिए पहली और दूसरी डोज के बीच में, कोविशील्ड में 3 महीने का और कोवैक्सीन के अंदर 1 महीने का अंतर होना जरूरी है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन हो और उसी के अनुसार आप वैक्सीन लगवाएं, बहुत ज़्यादा डिले भी ना करें और बहुत ज़्यादा अर्ली भी लगवाने को लेकर उसको यहाँ पर किसी भी तरीके का स्टेप कम से कम ना उठाएं, क्योंकि उसी के हिसाब से एंटीबॉडीज़ आपके बॉडी में डेवलप होती हैं। और यही वजह है कि इस पूरे ओपीडी की हम शुरुआत करते हैं ताकि सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँच सके। शैलेंद्र डॉक्टर, आपसे जानना चाहूँगी कि आप आने वाले समय के लिए तमाम दर्शकों श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से तीसरी वेव जिसकी सुगबुगाहट लगातार देखने को मिल रही है और उसको लेकर संभावना भी जताई जा रही है, उससे सुरक्षित रखा जाए। सवाल का जवाब आपसे लूंगी, उससे पहले एक और दर्शक सुषमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। सुषमा जी, हाँ जी, मैं ये पूछती थी कि मेरे को अल्सर है 10 साल। सुषमा जी, टीवी का वॉल्यूम आप जरा कम कर लीजिए, आपकी आवाज साफ मिलेगी। अपना सवाल पूछिए। जी, मेरे को 10 साल से अल्सर है जी, तो मैं ये पूछ रही थी जी, और अल्सर है उसकी वजह से मैं टेबलेट भी ले रही हूँ, तो मैं ये कोरोना की वैक्सीन लगवाऊंगी या नहीं लगवाऊंगी? डॉक्टर ज्योति, कहाँ का अल्सर है आपको? मेरे को बड़ी आंत में जख्म है जी, वहाँ पे अल्सर है। अच्छा, देखिए, प्राइमरली अगर आपको पेट में अल्सर है या आंत में अल्सर है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो दवाएं आमतौर पर दी जाती हैं वो बेसिकली एंटासिड दिए जाते हैं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आपके आपके जो डॉक्टर आपको दवा दे रहे हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। बट जो जनरल गाइडलाइंस हैं उसमें किसी भी तरह की क्रॉनिक इलनेस अगर आपको है तो वो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। सिर्फ स्पेशल प्रिकॉशन ग्रुप लेना चाहूंगी कि किस तरीके से आने वाले समय में लोग अपने आप को तैयार करें, उसको लेकर मैसेज कर देना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं रिकवरी रेट बढ़ रहा है, जैसे हरियाणा में 97% तक आप बता रहे थे पहुँच चुका है पूरे हरियाणा का, तो इससे हमें पूरा निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि कोरोना चला गया है, क्योंकि ये लॉकडाउन का असर है। और जो राज्य सरकार द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो कदम उठाए गए हैं ये उनका असर है, तो इससे हम ज़्यादा निश्चिंत ना हो जाएं। इसके बावजूद भी हमने कोरोना से बचाव के लिए जितने भी तरीके उनका पालन करना है, अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है कोरोना से बचाव के लिए, तो उससे आपने बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो जाने कि आपको कोरोना की बीमारी नहीं हो सकती। जैसे कई आप अच्छे टीचर के पास पढ़ सकते हैं तो ट्यूशन रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जरूरी कि अच्छे नंबर आएँ, आपको इसके बावजूद भी अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। प्रभु का नाम लेके आपको कार्य में सफलता मिल सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उससे आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है आप अगर इस तरह का काम करते हैं। तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, आप देखिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर ज्योति, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बेहद ही आसान शब्दों में तमाम सवालों का आपने जवाब दिया, और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि हमारे दर्शकों का पूरा मनोबल भी बढ़ा है कि बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, बिल्कुल भी डट कर यहाँ पर इस युद्ध को लड़ना है, और हाँ, फतेह हम जरूर हासिल करेंगे। अगर सहयोग आप सभी का बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गाइडलाइंस का पालन आप जरूर करें। फिलहाल आज की ओपीडी में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और पैनल के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।